नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आषाढ़ी यात्रा के लिए तैयारियों का लिया गया जायजा। आषाढ़ी यात्रा में कुछ अनुचित घटना ना हो और सभी शासकीय सुविधा अखंडित तरीके से शुरू रहे, इसके लिए प्रांत अधिकारी आयुष प्रसाद ने आलंदी में नियोजन बैठक ली। आपको बता दें कि 2 जुलाई से 7 जुलाई तक आलंदी में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। इस साल 6 जुलाई को संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी पंढरपुर को रवाना होगी, उसी के लिए ये नियोजन बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग, बिजली विभाग, नगर निगम, आरोग्य विभाग, दूर संचार विभाग सहित सभी विभाग के प्रमुख उपस्थित थे। आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो और कोई दुर्घटना ना घटे, इसलिए मंदिर परिसर का भी निरीक्षण किया गया और जरूरी सूचनाएं भी दी गई। आज हम लोगों ने आलंदी नगर पालिका में सगड़े पूरे यंत्रणा को बुला के आज एक आढ़ावा लिया। इसमें हम लोग अभी 6 जुलाई को यहाँ से वारी निकलने वाली है और उसके लिए हम लोगों ने ये आढ़ावा लिया। इसके लिए आज सारी यंत्रणा यहाँ पर मौजूद थी। इस आढ़ावा में हम लोगों ने उनका सबका नियोजन समझा, उनका प्रॉब्लम समझा, उनके पास जो ये थे कि कोऑर्डिनेशन के जो इशू थे तो उसको हमने आज समझ के बोला कि कैसे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उनको हम लोगों ने सारी नागरिक सुविधा उपलब्ध करने के लिए हमने आज बताया, व्यवस्थित प्लानिंग करके लिया है एंड हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि जैसे लास्ट टाइम हमारा अच्छा नियोजन था उससे भी ज़्यादा अच्छा इस बार नियोजन रहेगा। आलंदी विकास आराखड़ा अंतर्गत बहुत सारे काम ऑलरेडी हुए हैं और उस काम को ध्यान रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए और अच्छा काम अभी होने अपेक्षित है और इसके लिए हम लोगों ने नेक्स्ट और फाइनल राउंड मीटिंग 26 तारीख को रखा है और हमारा ये रहेगा। पालखी प्रस्थानापासून ते पालखी या आळंदी नगरीतून बाहेर जाईपर्यंत बंदोबस्ताचं व्यवस्थित नियोजन करण्यात आलेलं आहे। त्यासाठी बंदोबस्त प्रभारी अधिकारी म्हणून अप्पर पोलीस अधीक्षक असणार आहेत। त्यामध्ये अजून 3 DYSP, 100 अधिकारी, 810 पोलीस कर्मचारी, 650 होमगार्ड अशा प्रकारचा मोठा बंदोबस्त त्यासाठी देण्यात येणार आहे। आलंदी से सुनील भोंगल, खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।